नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भगवान कृष्ण का मधुराष्टकम, जो कि बहुत फेमस है, जिसके बोल हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम। आज इस भजन को नोटेशन के साथ हम कंप्लीट बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में और भी भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर भजन और आरतियां सिखाए हुए हैं, जिनकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों हम इस भजन की स्केल, यानी इस भजन को हम कौन से स्वर से बजा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस भजन को पहला खाला यानी सी शार्प माइनर से इस भजन को बजाना सीखेंगे। इसमें कौन कौन से नोट यूज होंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। और आपका कोमल धा के साथ साथ शुद्ध धा का भी प्रयोग होगा। सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों हम इस भजन का स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है अधरम मधुरम बदनम मधुरम। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है अधरम। अधरम के लिए सा, रे और कोमलनी। नेक्स्ट शब्द है मधुरम। मधुरम के लिए दो बार सा, एक बार कोमल का। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा भदनम। तो भदनम के लिए मा, कोमल गा और फा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा मधुरम। तो मधुरम के लिए पा, कोमल धा और पा। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों सेकंड लाइन, जिसके बोल हैं नैनम मधुरम हसितम मधुरम। तो इसको पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है नैनम। नैनम के लिए पा, कोमल धा और मा। उसके बाद शब्द आएगा मधुरम। तो मधुरम के लिए मा, मधुरम के लिए दो बार कोमल गा, एक बार मा और फिर से कोमल गा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा हासितम। तो हासितम के लिए अस्तम के लिए पा, मा, कोमल गा और लास्ट में शब्द आएगा मधुरम। मधुरम के लिए एक बार रे और दो बार सा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आएगी हृदयम मधुरम गवनम मधुरम। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग में जो हमने जो लाइन सीखी है, पहली लाइन अधरम मधुरम बदनम मधुरम, तो ये लाइन भी बिल्कुल वैसी की वैसी बजेगी, और इसके नोटेशन में उसके नोटेशन में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो आप वैसी की वैसी बजा देंगे तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आएगी मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इस लाइन को पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है मधुराधिपते, तो इसको देखिए पहले आराम से। ठीक है, मधुराधिपते के लिए पा, कोमल धा, फिर मा। उसके बाद दो बार कोमल गा, फिर मा और फिर से गा, मधुराधिपते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा रखिलम। रखिलम के लिए पा, मा, कोमल गा। उसके बाद लास्ट में शब्द आएगा मधुरम। मधुरम के लिए एक बार रे और दो बार सा। ठीक है दोस्तों, हमने अपना स्थाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीखते हैं इस भजन का अंतरा। तो अंतरे में सबसे पहली लाइन आती है
वचनम मधुरम चरितम मधुरम। तो इसको पहले हम बजाते हैं फिर इसको सीखेंगे। देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहला शब्द है वचनम। वचनम के लिए तीन बार कोमलनी, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा मधुरम। तो मधुरम के लिए कोमलनी धा पा और धा, ये हमारा शुद्ध धा प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा चरितम। तो चरितम के लिए दो बार मा, एक बार पा और एक बार नी। और लास्ट में शब्द आएगा मधुरम। मधुरम के लिए एक बार कोमल धा और दो बार पा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अंतरेगी सेकंड लाइन आएगी जिसके बोल है बसनम मधुरम बलितम मधुरम। तो इसको भी पहले हम भजा कर देखते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए सबसे पहला शब्द है असनम। असनम के लिए दो बार पा, एक बार मा और एक बार कोमल गा। इसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा मा मधुरम। तो मधुरम के लिए कोमल गा मा और फा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा भलितम। भलितम के लिए पा मा कोमल गा और लास्ट में शब्द आएगा मधुरम। मधुरम के लिए एक बार रे और दो बार सा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अंतरे की नेक्स्ट लाइन आएगी जिसके बोल हैं चलितम मधुरम बलितम मधुरम। ये दोस्तों जो स्थाई में जो हमने पहली लाइन सीखी थी बिल्कुल वैसे के वैसे बोल हैं, फिर भी मैं आपको एक बार इसको सिखा देता हूँ जल्दी से। पहले बजा लेते हैं, देखिए सबसे पहला शब्द है चलितम। चलितम के लिए सा रे कोमलनी, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा मधुरम। मधुरम के लिए दो बार सा, एक बार कोमल गा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा भलितम। तो भलितम के लिए मा कोमल गा और फा और लास्ट में शब्द आएगा मधुरम। तो मधुरम के लिए पा कोमल धा और फा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएगी दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट और आखिरी लाइन जिसके बोल हैं मधुरादि फते रखिलम मधुरम। तो दोस्तों ये लाइन हम सीख चुके हैं, ये लाइन स्थाई में सबसे लास्ट वाली लाइन थी मधुरादि फते रखिलम मधुरम। तो बिल्कुल वही के वही लाइन है और वही के वही नोट हैं जो हमने वहाँ पे वैसा बजाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा आप यहाँ बजा देंगे तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपका अंतरा कंप्लीट होता है। जैसे ही अंतरा कंप्लीट होगा तो स्टार्टिंग में जो स्थाई हमने सीखा है वो पूरा का पूरा स्थाई रिपीट हो जाएगा और उसके बाद जो बाकी अंतरे हैं वो भी आप इसी अंतरे के आधार पर, जैसा हमने ये अंतरे को बजाया है इसी के आधार पर आप बाकी अंतरों को भी बजा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक आपने खरीद दिया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मैंने अपने चैनल में और भी भजन सिखाए हुए हैं जिनकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश हो, आपको कोई भजन या सॉन्ग सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।